जी तो टाइम हो चुका है इफ्तारी का। मैंने अभी अभी असर की नमाज़ पढ़ी और ये देखिए इतनी तेज़ जो है ना हवा चलने लग गई है तेज़ तेज़। और अनस के बाबा अभी तक आए ही नहीं है। मुझे यही है कि बारिश ही ना स्टार्ट हो जाए। और इनको मैंने बिठाया भी सबक पढ़ने के लिए। अच्छा ये जूम हुआ भाई तभी मेरे को ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा ठीक हो गया। ये देखिए ये पढ़ ही नहीं रहे थे 2 दिन से ना। इन्होंने इतनी मस्ती पकड़ी हुई थी सबक ही नहीं पढ़ रहे। फिर आज इन दोनों को मैंने जो है ना थोड़ा सा एक को डांटा भी और एक को एक दो थप्पड़ भी लगाए हैं ताकि जो है ना पढ़े। चलो पढ़ो जल्दी से पढ़ो शाबाश। तो मैं अभी चल रही हूँ किचन में। मैंने भी वो चीज़ें रखी फ्रिज में थी वो निकाली है क्योंकि मौसम इतना ठंडा है इतना कि ठंडी चीज़ तो कोई भी नहीं खाई जाएगी। यहाँ तक कि पानी भी पीने को दिल नहीं करता प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो ये स्ट्रॉबेरीज थी फ्रिज में ये भी मैंने निकाली है। योगर्ट निकाल लिया क्रीम निकाल लिया। अच्छा ये चटनी का मैंने बना के रखा हुआ था पेस्ट वो निकाला। ये योगर्ट दूसरा चटनी के लिए। और ये मैं लेकर आई हुई थी पाइन एप्पल्स जो है ना कैन वाले होते हैं ना ये वो हैं। और ये समोसे भी मैंने निकाल के रख दिए हैं क्योंकि ये फ्रीज से तो मैंने कहा चलो ये थोड़े जो ना नॉर्मल हो जाए। अगर इनको मैं इसी तरह करती हूँ ना तल लूँ ना तो फिर ये सख्त रह जाते हैं। तो इनको मैंने निकाल के रख दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर तलने से ना ये नरम भी हो जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी मैंने डालनी है फ्रूट चाट में भी और उसका शेक भी मैंने बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने आलू भी निकाल के रख लिए हैं। ये मैंने आलू भी जो है ना पील करने हैं पकौड़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं करूँगी मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी का जो है ना मैं शेक बना लूँ। स्ट्रॉबेरी का शेक बना लूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो कट करके इसमें डाल दी हैं और बाकी स्ट्रॉबेरी जो बची थी वो मैंने छोटी जो टोकरी है ना उसमें कर दी हैं ताकि फिर जो है ना फ्रिज में जगह जो है ना ज़्यादा बना के रहे। तो अभी मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लगी हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी स्ट्रॉबेरी जो है इसमें कर ली है। अभी मैं इसमें डालूंगी क्रीम। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा हैवी तो हो जाता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इतनी ज़्यादा नहीं बस 1 से 1.5 जो है ना स्पून मैंने जो है ना क्रीम इसमें ऐड की है। और अभी हम इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अभी मैं इसका जो है ना इसको जग में डाल दूंगी। ये देखिए मैं अभी इसको जग में जो है ना डाल लूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कितना खूबसूरत लगता है ना। मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी का जो है ना मिल्क शेक। अभी मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल जो है ना मिल्क है तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी इसी जग में डाल के ताकि जो इसमें रह गया ना वो भी जो है ना इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए मैं पानी भी इसमें अच्छे से ना इसको खंगाल लेते हैं ना जितना बर्तन को उतना खंगाल के मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया। तो अभी थोड़ा सा मैं इसमें और भी ऐड करूँगी क्योंकि अभी पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। और मैं साथ ही साथ जो है ना ये बर्तन जो है ना जिस तरह ये दूसरे का जग था ये मैं साथ ही वॉश कर लूँगी ताकि मेरे लिए बर्डन ना बन जाए। और अभी मैं करने लगी हूँ ये स्ट्रॉबेरीज मैंने कट करके रख ली हैं बाउल में। ये फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ मैं। तो फ्रूट चाट बना लूँ स्ट्रॉबेरीज। अभी मैं सारी स्ट्रॉबेरीज इस तरह काट लूँगी इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सारी स्ट्रॉबेरीज कट कर लूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने स्ट्रॉबेरी कट करके फिर उसमें एप्पल्स को भी जो है ना यूज चंक्स में जो है ना कट कर लिया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पाइन एप्पल्स। पाइन एप्पल्स डाल के फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ ताकि वीडियो जो है शॉर्ट रहे और आपको सारा पता भी चल जाए। ये देखिए मैंने पाइन एप्पल्स को भी जो है ना इस तरह निकाल के यूँ इस तरह इसके छोटे पीस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं। तो अभी मैं ये पीस में ऐड कर दूँगी। बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से आप लोग भी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती है। और ये पाइन एप्पल का जो जूस है ना इसको मैं जो है ना वेस्ट नहीं करूँगी। ये पाइन एप्पल का जूस जो है ना थोड़ा बहुत मैं इसमें ऐड करूँगी इसकी क्रीम में और योगर्ट में और बहुत ही यमी फ्लेवर जो है ना आएगा इससे। तो ये आप भी अगर कभी यूज़ करें तो ये वेस्ट मत किया करें ये थोड़ा बहुत इसमें डाला करें। अच्छा एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी वो तो याद ही नहीं रही है। देखिए चूल्हा जो है ना मैंने जब रमज़ान का चांद नजर आया था ना रात को मैंने तकरीबन 12 बजे जो है ना इसको इंस्टॉल करवाया अपने हस्बैंड से। मैंने कहा नहीं मैंने रमज़ान का रखा हुआ था कि मुझे रमज़ान में ही ये चूल्हा जो है ना यूज़ करना है तो मुझे आपको भी इसी टाइम इंस्टॉल करके दें। तो वो इंस्टॉल किया तो फर्स्ट सहरी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बनाई थी और उसके बाद सारी इफ्तारी और सारी इसी पर बना रही है। तो मैंने कहा यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करना था कि जो चूल्हा ला कर रखा हमारा मैंने रखा हुआ था वो मैंने जो है ना इंस्टॉल कर लिया और उसको यूज़ भी मैंने कर लिया है।
भी बनाने लगी हूँ पकौड़े, तो ये इग्नोर कीजिएगा ज़रा, ये पकौड़ों वाले हाथ लगते रहे ना। कल बनाए थे, कल काफ़ी लेट हो गए थे, उसके बाद इसको मैंने इसलिए ना ना साफ़ किया ना वॉश किया, फिर पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर पकौड़े बना लेते हैं। तब तक मैं पकौड़ों का जो है ना हमेशा मैंने ये रेडी करके रख दिया है, और ये वाली भी पकौड़े कट करके रख दी है मैं। तो मैंने स्टार्ट करना है, मैंने पानी दे दो बेटा ग्लास में मुझे। मुझे पकौड़ा डिश आउट करने के लिए मैंने ये ट्रे भी निकाल ली है। तो ऑयल गर्म हो गया, मैं भी डालने लगी हूँ इसमें पकौड़े, जो मैंने इसका जो है ना बैटर तैयार करके रखा हुआ है। अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ, थोड़ी फ्लेम जो है ना मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। क्या मसला है ना, शर्म नहीं आ रही रोजे के सामने खा रही हूँ। तो चलो ये पकौड़ी बन जाए तब तक, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक जो है ना वो पोर्शन तैयार हो गया, जो मैंने पहले पकोड़े डाले थे ना वो रेडी हो गए हैं। तो मैं भी इनको निकाल लेती हूँ, फिर इसमें और डालेंगे हम। इस तरह मुझे एक हाथ से निकालने में ज़रा मुश्किल हो रही, तो मैं पहले पकोड़े निकाल लूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए मैंने पकौड़े जो है फिर डाल दिए, और पहले वाले ये मैंने निकाल के ना ये रख दिए हैं। यहाँ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी शायद सही दिखाई देता है या नहीं। ये मैंने ट्रे में बटर पेपर रखा है, बटर पेपर को तो मैं जो है ना पकौड़े निकाल देती हूँ, फिर बटर पेपर जो है ना वो सोख लेता है एक्स्ट्रा ऑयल, तो ये मैंने निकाल दिए। और समोसे भी यहाँ मेरा मुँह देख रहे हैं, कहते हैं कब डालोगी हनी तेल में। और यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो, लाइट का प्रॉब्लम रहने दो बस अब। ओहो, और ये देखें, वाह ये तो मैजिक हो गया है। धूप में कभी दो तीन दिन से, तीन दिन से यहाँ पे बारिश है, रेनबो है। नहीं बेटा धूप आ गई हल्की हल्की, तीन दिन बाद फाइनली धूप का हमने मुंह देख लिया है। पर रेनबो क्यों नहीं आता तीन दिन में। चलिए अब जी पकौड़े बन जाए तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें मैंने बाउल में जो है योगर्ट निकाल लिया है, और अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, चटनी बनाने लगी हूँ। चटनी हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और वैसे भी अच्छी होती है ना मिंट की और ग्रीन चिली, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। पकौड़े समोसे और उनके साथ जो है ना ये अच्छी रहती है। तो पकौड़े मेरे जो हैं वो देखिए ये बन गए हैं, समोसे भी मैंने कर दिए हैं ट्राई। मेरा भी मैंने दूसरे जो है आलू के जो पकौड़े होते हैं ना, जो सिर्फ आलू काट के वो करते हैं, तो वो बनाया रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए स्पेशल लाजमी बनाती हूँ। खा वो दूसरे भी लेते हैं, शुक्र है मोबाइल हाथ से छूट के और मेरी जगह पे गिर गया। खा वो दूसरे भी लेते हैं, लेकिन ये उनको जो है ना ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है, तो मैं ये वाले लाजमी साथ बना लेती हूँ। जरे मैं भी पहले काम निपटा उसके बाद करती हूँ, क्योंकि अभी भी हाथ में से स्लिप होकर मोबाइल सीधा ऑयल में जाने वाला था। ये देखें बनानास आ गया, बनाना को मैंने छील के उनको कट करके रख लिया, और अभी मैं इसमें जो है ना बाकी का योगर्ट ऐड करने लगी हूँ। देखिए एप्पल्स बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं किया एप्पल्स ने। ये ना सांप पकड़ो में जो है एप्पल्स मिक्स करूँ, एप्पल्स मिक्स करूँ कह रही हूँ, योगर्ट मिक्स करूँ। हाँ जी फ्रिज में रखो। और इसलिए देखें ये अभी मैं करूँगी इसमें ऐड, वही जो पाइन एप्पल्स का जो जूस बच गया था ना वो मैं भी इसमें ऐड कर दूँगी, तो बहुत मज़े की बन जाती है इस तरह जो। बनाना सब
हाँ ठीक है, अभी कल ये मिक्स कर लो ना, फिर बनाना है क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है ना, फिर गिरने लग जाता है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम, मिल्क पैक की क्रीम है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है, योगर्ट भी डाल दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, जितना जिसको पसंद है वो उतना डालें। तो आज निकालती है बस इतनी सी, थोड़ी सी शुगर जो है हमने ऐड कर ली है, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम इसमें डालते जाएंगे बनाना भी सारे ही डाल नहीं, थोड़ी सी बच बाद में डालूंगी। चलिए मैं रेडी करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है, अब हम दस्तरखान पे रख कर बैठ चुके हैं। और ये देखें नमूना, ये अपने डॉग्स जो है ना, इसके भालू है ना, सॉफ्ट टॉय जो होते हैं वो यहाँ बिठा लेती है अपने साथ, कहती है सबसे बड़े रोजेदार की हैं। अभी मैंने उनको फेंकवाया है, मैंने कहा उनको फेंको यहाँ से। तो बस अब हम जो है अजान का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ये जो है रोज़ा खुलेगा तो फिर रोज़ा खोलेंगे। और तब तक हम दुआ कर लेते हैं, आप लोग भी दुआ करें और मम्मी भी दुआ में याद रखिएगा। अम्मा नमाज पढ़ने वाली हैं।